नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कपिल रानी, टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस, हरियाणा शिक्षा विभाग एजुसेट प्रणाली में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबसे मुलाकात मेरी पहले भी हुई हमारी फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा था कि करियर अपॉर्चुनिटीज इन द ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर 9th क्लास का, ठीक है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे जो है ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के अंदर आती हैं। आज हम लेके आए हैं 10th क्लास का यूनिट 1 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्किन के बारे में जानना क्यों आवश्यक है, स्किन की लेयर के बारे में जानना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि एक सैलून के अंदर या जो हमारा एक ब्यूटी थेरेपिस्ट होता है या एक जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है जो स्किन केयर के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो कभी भी हर एक क्लाइंट के ऊपर एक जैसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पहले स्किन को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्किन की कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, स्किन का जो है स्किन की कंडीशन कैसी है, ड्राई है, रफ है, फ्रैकल स्किन है, मच्योर स्किन है या पिंपल वाली एक्ने वाली स्किन है, तो सभी चीज़ें देख के ही करते हैं। कौन सी लेयर के ऊपर प्रॉब्लम है वो देखते हैं कि एपिडर्मिस लेयर के ऊपर है, डर्मिस लेयर के ऊपर है, कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो सभी चीज़ें देख के ही वो ट्रीटमेंट करते हैं। और एक अच्छे जो ब्यूटी थेरेपिस्ट होता है या एक डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, उसको ट्रीटमेंट से पहले अच्छी तरह से स्किन की नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्किन लेयर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्किन सेल्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स इन द स्किन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड इन द स्किन। ठीक है, तो सभी के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी मेरा मानना है कि वो अच्छे से जो है क्लाइंट को ट्रीटमेंट दे पाएगा और अच्छे से उसको सजेशन भी दे पाएगा कि उसको इन फ्यूचर कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं, तभी वो उनको सजेशन दे पाएगा। तो आइए आज अभी सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जो भी हमारे लेसन का नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन, इसको एक बार हम अलग अलग करके इसको समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे स्किन। ठीक है, स्किन क्या होती है, व्हाट इज द स्किन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्किन आवर बॉडी। ठीक है, तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर एंड इट्स ए थिक लेयर। ठीक है, ये जो हमारी स्किन होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्ट करना मतलब बचाना किसी चीज़ से, और किस चीज़ से बचाएगी, बाहर की जो हमारा जो वातावरण है, जो धूल मिट्टी है, केमिकल रिएक्शन है कोई भी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से जो हानिकारक जो हमारी बॉडी के लिए होते हैं, उन सभी चीज़ों से बचाव करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, डायरेक्ट ये दूसरी लेयर के ऊपर जो है किसी भी जो है जो हमारी बॉडी के लिए ठीक जो चीज़ नहीं है उसका असर नहीं जाने देती है, बाहर की बाहर उससे निपट लेती है। ठीक है, सेकंड था कि ये वाटरप्रूफ लेयर होती है। वाटरप्रूफ लेयर के लिए आप कैसे जानेंगे, इसके ऊपर आप पानी की ड्रॉप्स डाल के देख सकते हैं कुछ, तो वो कभी भी एक जगह पे नहीं ठहरेंगी, वो फिसल जाती हैं। इट मीन्स इससे क्या पता लगता है कि ये एक वाटरप्रूफ लेयर है और एक तरह से ये प्रोटेक्शन करने का भी काम करती है। कैसे, बाय चांस गलती से आपके ऊपर कोई केमिकल गिर गया, ठीक है, तो ये उसको ये नहीं है कि डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको हटा देती है, मतलब वो फिसल जाता है। ठीक है, इस वजह से भी एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। थर्ड था हमारा, एक थिक लेयर होती है जो हमारी स्किन होती है, ये थोड़ी सी थिक होती है ताकि जो है जो बाकी की जो लेयर हैं अंदर वाली उनको प्रोटेक्ट अच्छे से कर सके। स्किन के बारे में आपको अच्छे से पता लग गया, राइट। सेकंड आता है हमारा एनाटॉमी, व्हाट इज द एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी एक जो है इसके अंदर हम जितने भी हमारे बॉडी के जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से मतलब कैसे उनका रिलेशन है, कैसे वो काम करते हैं, एक दूसरे से कैसे वो कनेक्ट होते हैं, उनका काम क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, उन सभी चीज़ों की स्टडी करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि नेल की एनाटॉमी के बारे में या ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी के बारे में, मतलब संरचना कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है। नेल की एनाटॉमी देखेंगे तो हमारा नेल की संरचना क्या है, कितने भाग होते हैं, क्या क्या चीज़ें होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। हेयर की संरचना देखेंगे तो हेयर की कितनी लेयर होती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सेल्स होते हैं, बल्ब होते हैं,
ठीक है, उसके कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, कौन कौन से ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो सारी चीजें हम देखते हैं, उस चीज की स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। थर्ड आता है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, इस चीज की स्टडी करना या इस का अध्ययन करना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करेंगे कि जो है हैंड की फिजियोलॉजी, मतलब तो हम हाथ के अंदर देखेंगे कि अंदर इसकी कितनी नसें हैं, इनके अंदर क्या ब्लड वेसल्स हैं, या ये कैसे काम करता है, ठीक है, ये कहाँ कनेक्ट होता है जाके, कैसे मूवमेंट करता है, तो उस सारी चीजों के बारे में अध्ययन करना फिजियोलॉजी कहलाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा स्किन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किन लेयर। हमारी जो स्किन होती है उसकी कितनी परत होती है, कितनी उसकी लेयर होती है, लेयर का मतलब परत, ठीक है, कितनी लेयर होती है। तो हमारी स्किन की जो है तीन लेयर होती है, फर्स्ट होती है हमारी हाइपोडर्मिस, सेकंड होती है डर्मिस, और थर्ड होती है हमारी हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो जो सबसे पहली वाली जो एपिडर्मिस लेयर है, अभी हम एक एक लेयर को लेके चलेंगे कि एक एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले उसके अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, ठीक है, फिर हम धीरे धीरे करके हर एक जो है लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी सबसे पहली जो स्किन की लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली परत, ये जो हमें दिख रही है ये सबसे ऊपर वाली परत होती है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, ये थोड़ी सी थिक लेयर होती है, ठीक है, वाटरप्रूफ होती है, और सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, और किसी भी केमिकल को या बाहर की जो चीजें होती हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं उनको अंदर जाने से रोकती है, ये सबसे ऊपर वाली परत एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये पहले भी मैंने बता दिया कि जो स्किन के बारे में मैंने आपको बताया था सेम है, क्योंकि जो जो स्किन होती है वो सबसे ऊपर वाली स्किन ही मेन काउंट होती है एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है, ये वाटरप्रूफ होती है, थोड़ी सी थिक लेयर है, ठीक है, वाटरप्रूफ है, और जो है हमारी सबसे ऊपर वाली परत है, सबसे फर्स्ट बाहर वाली परत है, इसको बेसल लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, बेस का मतलब क्या होता है, कोई ऊपर वाला बेस बनाना, ठीक है, सरफेस मतलब सबसे ऊपर वाली चीज, तो ये बेसल लेयर भी इसको बोल देते हैं। और जो है ये किसी भी वेस्ट पदार्थों को बॉडी के अंदर जाने से, एंटर करने से रोकती है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन एपिडर्मिस लेयर का, सबसे ऊपर वाली परत का। अब जो है एपिडर्मिस लेयर के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट है केराटिनोसाइट सेल्स, सेकंड है मेलेनोसाइट सेल्स, थर्ड है लैंगरहैंस सेल्स, और फोर्थ है मार्कर सेल्स। ठीक है, तो इन ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, आइए थोड़ा सा हम ब्रीफली इनको देखते हैं। सबसे पहला है हमारा केराटिनोसाइट सेल्स। जो केराटिनोसाइट सेल्स होते हैं, केराटीन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, और ये ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन का निर्माण करते हैं। जो नई स्किन आती रहती है, हमारी जो सेल हमारी जो स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेली नए बनते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं, पुराने डैमेज होते रहते हैं और नए स्किन के सेल्स बनते रहते हैं। तो जो केराटिनोसाइट सेल्स है ये हमारा एक तरह से जो है ऐसा सेल्स होता है जिसके अंदर हमारे नए सेल्स बनते हैं, पुराने डैमेज होते रहते हैं, तो एक तरह से नई स्किन का निर्माण करने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, इनको हम स्किन सेल्स के नाम से भी बोला जाता है। अगर दूसरा नाम अगर आ जाए, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि केराटिनोसाइट सेल्स का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं स्किन सेल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड मेलेनोसाइट सेल्स। मेलेनोसाइट सेल्स बना है मेलानिन के नाम से। ठीक है, जो मेलेनोसाइट सेल्स होते हैं ये एक विशेष प्रकार के जो है मतलब सेल का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है पिगमेंट। ठीक है, और जो पिगमेंट होते हैं वो जो है जैसे मेलानिन और पिगमेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं ये बनाते हैं पिगमेंट। ठीक है, और उनको बोला जाता है मेलानिन। ठीक है, मेलानिन से ही इसका नाम पड़ा है मेलेनोसाइट्स। जो मेलानिन सेल्स होते हैं, मेलानिन लगा लो या पिगमेंट लगा लो या मेलेनोसाइट्स लगा लो,
इनका मेन फंक्शन, इनका मेन काम क्या होता है, हमारी स्किन को कलर प्रदान करना, हमारी स्किन को, हमारी त्वचा को रंग प्रदान करना। हमारा जैसा भी कलर होता है, ब्लैक होता है, मतलब डार्क होता है, लाइट होता है, गोरा होता है, वो किसके कारण होता है, पिगमेंट या मेलानिन के कारण ही होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन की मात्रा, जो सेल्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, ज्यादा, तो ऑब्वियसली हमारा स्किन का कलर कैसा होता चला जाएगा, डार्क होता चला जाएगा। अगर मेलानिन की मात्रा कम है बॉडी के अंदर तो इट मीन्स हमारे स्किन का कलर फेयर होता है, ठीक है। लेकिन जो मेलानिन जो होते हैं वो कुछ चीजों पे निर्भर करते हैं कम या ज्यादा होने में। जैसे मान लो अगर आप धूप में ज्यादा जाते हैं, आपका मार्केटिंग का ज्यादा काम है या फील्ड का ज्यादा काम है, मतलब आप धूप में ज्यादा रहते हो, तो इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि आप कभी भी देखना, अब जैसे मैं है, इतनी मैंने क्वार्टर स्लीव्स डाल रखी हैं, अगर आप हाफ स्लीव्स डालोगे, ठीक है, और हाफ स्लीव डाल के आप 10 to 15 days आप मार्केट का काम कीजिए, जो भी आपका फील्ड वर्क है, उसके बाद आप देखना हाफ स्लीव्स नीचे का जो कलर होता है स्किन का कलर, वो इतना आपका चेंज होता है, ऊपर वाला अलग मिलेगा, नीचे वाला अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो बाकी की जो स्किन है, ओपन एरिया है, वो किसके कॉन्टैक्ट में आई है, धूप के कॉन्टैक्ट में आई है, और धूप के कॉन्टैक्ट के आने के कारण जो मेलानिन होते हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, वो मतलब फास्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा स्किन का कलर डार्क होता चला जाता है, स्किन के ऊपर टैनिंग जमने लग जाती है और स्किन का कलर डार्क होना लग जाता है। थर्ड जो आता है हमारा, जो सेल्स होता है वो आता है लैंगरहैंस सेल्स, जिनको क्या बोलते हैं हम, लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं इनका जो मेन काम होता है बॉडी के अंदर जो है किसी भी चीज को फील करवाना, ठीक है, मतलब फील करवाते हैं ये, प्रतिरक्षा जो है प्रणाली एक तरह से इनको बोल सकते हैं, कि बॉडी के अंदर जो है चीजों से, रोगों से लड़ने की क्षमता ये प्रदान करते हैं, ठीक है, और जो है बॉडी के अंदर किसी भी चीज की फीलिंग करवाना, फील करवाना, इसका मेन काम होता है ये लैंगरहैंस सेल्स का। फोर्थ हमारा सेल्स आता है मार्कर सेल्स, ठीक है, जो मार्कर सेल्स होता है ये इसका मेन काम होता है मतलब किसी भी टच का फील करवाना, ठीक है, मान लो टच होने का एहसास करवाना, मान लो अब जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ी हूँ और पीछे से आके कोई मेरे को जरा सा भी हाथ लगाएगा, मेरा फेस तो इधर है लेकिन मेरे बॉडी को फील हो जाएगा कि किसी ने मुझे पीछे से टच किया है, ठीक है, या फिर मैं मान लो आराम से चेयर पे बैठी हूँ और पैर पे मेरी कोई चींटी चढ़ जाए, ठीक है, तो तुरंत हमारी बॉडी जो है, हमारे जो सेल्स होते हैं, जो मार्कर सेल्स होता है, वो तुरंत हमारा मैसेज माइंड में पहुंचाता है कि कुछ ना कुछ आपके पैर पे चढ़ा है, इट मींस कि टच का फील करवाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एपिडर्मिस लेयर के अंदर जो जो भी सेल्स होते हैं उनके बारे में। एपिडर्मिस लेयर के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके सेल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे सेकेंड लेयर पे आते हैं जिसका नाम है डर्मिस लेयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर कौन सी थी हमारी, एपिडर्मिस, सेकेंड कौन सी आ गई हमारी, डर्मिस लेयर। अब आता है जो डर्मिस लेयर होता है, डर्मिस लेयर जो होती है वो क्या काम करती है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, कौन कौन से फाइबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो डर्मिस लेयर होती है हमारी, होती है सेकेंड लेयर, दूसरी परत होती है ठीक एपिडर्मिस के नीचे जो परत पाई जाती है वो होती है डर्मिस लेयर, ठीक है। और डर्मिस लेयर के अंदर जो है सभी ब्लड वेसल्स, रक्त की नसें, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, सिबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ये सभी हमारे होते हैं डर्मिस लेयर के अंदर, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो नसें आपको दिख रही हैं, ये जो नसें दिखती हैं, ये जितनी भी ब्लू वाली, ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, रक्त की नसें होती हैं, इनके अंदर से जो है हमारा ब्लड का फ्लो चलता रहता है, तो ये सभी होती है डर्मिस लेयर के अंदर, और इसी के कारण हमारी जो ऊपर वाली लेयर है इसको पोषण मिलता रहता है, ठीक है। अंदर जो डर्मिस लेयर के अंदर जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, रक्त की नसें होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, उसी से हमारी फर्स्ट लेयर को क्या मिलता है, पोषण मिलता है, इसलिए वो हेल्दी रहती है, मतलब उसको खाना कहाँ से मिलता है, सेकंड लेयर से, ठीक है। तो डर्मिस लेयर के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम कि इसके अंदर जो है फाइबर कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। फाइबर इसके अंदर होते हैं कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर। कोलाजन फाइबर का क्या काम होता है, कोलाजन फाइबर हमारी जो स्किन होती है उसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत प्रदान करता है, मजबूती, टफनेस प्रदान करता है, ठीक है। हमारी स्किन की जो मजबूती होती है, जो भी ताकत जो होती है स्किन के अंदर, वो कौन सी लेयर के कारण होती है,
हमारा जो सॉरी कौन से फाइबर के कारण होते हैं, वो होते हैं हमारे कोलाजन फाइबर के कारण, ठीक है। सेकंड हमारा फाइबर होता है इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन नाम से ही थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं, इलास्टिन का मतलब होता है कोई भी लचीली कोई चीज, ठीक है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक कैसी होती है, जो हम स्ट्रेच कर सकें। तो इलास्टिसिटी मतलब हमारी जो बॉडी है उसको फ्लेक्सिबल, लचीलापन जो मिलता है वो किससे मिलता है, इलास्टिन फाइबर से मिलता है। अब मैं बात करूं जैसे कि मैं हैंड्स की मूवमेंट कर पाती हूं, मैं अपने गर्दन की मूवमेंट कर पाती हूं, मैं अपनी रिस्ट की मूवमेंट कर पाती हूं, अपनी हैंड्स की मूवमेंट कर पाती हूं, लेग्स की मूवमेंट कर पाती हूं, तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कौन से फाइबर के कारण है, इलास्टिन फाइबर के कारण। गॉट इट। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि सीबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। अब सीबेशियस ग्लैंड्स क्या होता है कि जो सीबेशियस ग्लैंड होते हैं उनका काम होता है बॉडी से ऑयल को बाहर निकालना, ठीक है। जब भी आप सुबह उठते हैं तो नोट करिएगा, आप अपनी स्किन पे नोज के आसपास, अपने चिन के आसपास, ठीक है, अपने चिक के आसपास आपको हल्का सा ऑयल दिखेगा, आपको चिकनाई सुबह मिलेगी, वो होती है सीबेशियस ग्लैंड के कारण, ठीक है। तो जो सीबेशियस ग्लैंड का काम है वो क्या होता है, ऑयल प्रोड्यूस करना, ऑयल को बनाना, ठीक है। जो अभी हमारे स्किन से बाहर ऑयलीनेस, जो स्किन ऑयली होती है, वो कौन से ग्लैंड के कारण होती है, सीबेशियस ग्लैंड के कारण। सेकंड जो आता है हमारा स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट का मतलब होता है पसीना, ठीक है, स्वेटिंग मतलब पसीना आना। स्वेट ग्लैंड्स जो ग्रंथियां हैं पसीने को बनाने में सहायक होती हैं, या पसीने को बाहर निकालने का काम करती हैं, या पसीना बनाने का काम करती हैं, वो कौन से ग्लैंड्स होते हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो पता लग गया होगा आपको अच्छी तरह से, जो सीबेशियस ग्लैंड है या स्वेट ग्लैंड्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है। सीबेशियस ग्लैंड का मेन फंक्शन कौन सा बताया था मैंने, ऑयल प्रोड्यूस करना, स्वेट ग्लैंड्स मतलब स्वेटिंग को प्रोड्यूस करना, मतलब पसीने को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो था हमारे ग्लैंड्स और फाइबर, अब आते हैं डर्मिस लेयर के अंदर भी सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है हमारा मस्ट सेल्स, MAST मस्ट सेल्स, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, ये जो सेल्स होते हैं वो बॉडी को केमिकल से बचाते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होता है उन सभी चीज़ों से जो है ये हमारे जो सेल्स होते हैं मस्ट सेल्स, ये रक्षा करते हैं, और इससे कोई भी मतलब नुकसान नहीं होता या बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाने देते ये, ठीक है। इनका मेन काम होता है किसी भी केमिकल से, रिएक्शन से बॉडी को बचाना, प्रोटेक्ट करना। सेकेंड हमारा जो सेल्स होता है वो होता है वेस्कुलर सेल्स, ठीक है, कौन सा, वेस्कुलर सेल्स, VASCULAR, वेस्कुलर सेल्स। इनका मेन फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर, कि ये काम करते हैं बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, ठीक है। अब आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर हमारा बॉडी का टेम्परेचर अलग हो जाता है, गर्मियों के अंदर अलग हो जाता है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कौन से सेल्स करते हैं, वेस्कुलर सेल्स करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और जो है जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ओपन और क्लोज करने, मतलब उनको सिकोड़ने में और खोलने में ये वाले सेल्स जो हैं हेल्प करते हैं। थर्ड आता है हमारा स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स, ठीक है, स्पेशलाइज्ड, स्पेशल से बनाया स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स। ये मसल जो ये वाले सेल्स हैं ये क्या काम करते हैं, जो है ये वाले सेल्स होते हैं जो हमारा स्वेट ग्लैंड्स होता है, स्वेट ग्लैंड्स मैंने आपको बताया है जो पसीने को जो बनाते हैं जो ग्रंथियां, ये वाले सेल्स स्वेट ग्लैंड के चारों ओर होते हैं और पसीने को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब ऐसा ना हो, अगर ये मान लो सेल्स ना हो तो पसीना मतलब बहुत ज्यादा आता ही रहे, रुके ना कभी, ठीक है। तो जो कंट्रोल करते हैं कि मतलब नियंत्रित करते हैं जो, वो कौन से सेल्स काम करते हैं, स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, FIBROBLAST, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं ये काम क्या करते हैं, बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, और बॉडी के अंदर अगर कोई घाव हो जाए, कोई चोट लग जाए, उसको भरने में, उसको ठीक करने में, उसको हील करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो
जो फाइब्रोब्लास्ट है से क्या काम करेंगे, बॉडी की ग्रोथ करेंगे, ठीक है, और जो अगर बॉडी के अंदर कोई घाव या चोट लग जाए उसको हील करने में, उसको ठीक करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स होते हैं, ये जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि माइक्रोफेज, ठीक है, WBC। तो जो WBC सेल्स होते हैं वो तो आपको सबको पता है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है बीमारियों से बची रहे, ठीक है, उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ऐसे ही होते हैं माइक्रोफेज सेल्स। जो माइक्रोफेज सेल्स होते हैं ये काम क्या करते हैं, वेस्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, और खाना पचाने के जो खाना पचाने का काम करते हैं, खाना पचाने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो सेल्स होता है न्यूट्रोफाइल सेल्स। न्यूट्रोफाइल सेल्स, NEUTROPHILS, न्यूट्रोफाइल सेल्स, इनका काम क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन मतलब बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में बॉडी के सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन आना, ठीक है, इन्फ्लामेशन के दौरान एंटर करने वाले, बॉडी के अंदर एंटर करने वाले सबसे पहले जो है सेल्स होते हैं WBC, ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं इन्फ्लामेशन के दौरान बॉडी के अंदर एंटर करने वाले जो भी सेल्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोनोसाइट सेल्स, ठीक है, कौन सा, मोनोसाइट्स, MONOCYTES, मोनोसाइट्स सेल्स। तो जो मोनोसाइट सेल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं विद्यार्थियों, ये सेल्स बॉडी के सेल्स को कंट्रोल करते हैं, और बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं, और हमारी जो बॉडी की जो भी मूवमेंट होती है, हैंड्स की, लेग्स की, हमारे होल बॉडी की, उन सभी मूवमेंट को वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी सेकंड लेयर, डर्मिस लेयर की, ठीक है, डर्मिस लेयर के अंदर जितने भी सेल्स थे, मस्ट सेल्स, मस्कुलर सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, इम्यून सेल्स, न्यूट्रोफाइल सेल्स, और हमारा था लास्ट मोनोसाइट सेल्स, ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब आता है हमारा जो थर्ड जो लेयर थी स्किन की, वो कौन सी है, हाइपोडर्मिस लेयर, ठीक है। फर्स्ट कौन सी थी हमारी, एपिडर्मिस लेयर, सेकंड कौन सी थी, डर्मिस लेयर, और थर्ड लेयर कौन सी हमारी स्किन की, हाइपोडर्मिस लेयर। हाइपोडर्मिस लेयर को हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन फंक्शन है, इट्स मेनली वर्क फॉर फैट स्टोरेज इन द बॉडी, ठीक है। जो फैट जो हमारा स्टोर होता है वो कौन सी लेयर में स्टोर होता है, हाइपोडर्मिस लेयर में स्टोर होता है, इसका मेन काम होता है फैट को स्टोर करके रखना, ठीक है। तभी तो अगर मान लो जो लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, मोटापा कहते हैं कि एक आता तो बहुत जल्दी है लेकिन जाता बहुत देरी से है, क्यों, क्योंकि वो जमा होता है सबसे लास्ट वाली लेयर में, जमा तो हो जाता है लेकिन जब आप उसको फैट को बर्न करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उसका असर थर्ड लेयर तक बहुत लेट तक पहुंचता है। जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तब जाके कंटिन्यू आपका 6 मंथ तक आपका जो है वो चीज़ वर्क करने स्टार्ट करेगी, अदरवाइज जो है एपिडर्मिस डर्मिस लेयर तक ही आपकी एक्टिविटी रह जाती है, और उसके लिए आपको ज़्यादा डीपली एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, ताकि डीप, सबसे डीप में होती है लेयर, वहाँ तक उसका असर पहुँचे, तभी वो फैट बर्निंग का काम करेंगे, ठीक है। तो इसका मेन काम है फैट को स्टोरेज करना। तो हमारी तीन लेयर होगी, कौन कौन सी थी, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस के हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, डर्मिस लेयर के में जो भी सेल्स थे उनके बारे में पढ़ा, और हाइपोडर्मिस क्या काम करती है, क्या बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होते हैं मेन उसका, उसके बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ द स्किन, मतलब जो हमारी स्किन होती है उसके का क्या काम है, उसके मेन फंक्शन क्या होते हैं हमारी स्किन की, ठीक है। तो हमारी जो स्किन होती है सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है बाहर की चीज़ों से, बाहर के केमिकल से बचाती है, धूप, गर्मी, सर्दी, पोल्यूशन, धूल, मिट्टी, इन सभी चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, तो ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन लेयर भी होती है। सेकंड आता है हमारा एक्सर्शन, मतलब हमारी बॉडी से बाहर निकालना वेस्ट पदार्थों को, किसके थ्रू, पसीने के थ्रू, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं,
ये पसीने के थ्रू बॉडी से थ्रो आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो सेकंड हो गया। थर्ड होता है हमारा, ये एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। सेंसरी मतलब ये हमें फील करवाता है किसी भी चीज का, टच होने का, सर्दी का, गर्मी का एहसास करवाता है, दुख का, तकलीफ का, ठीक है, ये हमें फील करवाती है, इसलिए इसको सेंसरी ऑर्गन भी बोलते हैं। चोट लगना, ठीक है, घाव होना, तकलीफ होना, कोई कट लग जाना, तो इन सब की चीज को ये मतलब हमारी बॉडी को फील करवाती है, तो इसलिए इसको सेंसरी ऑर्गन भी बोल देते हैं। एक होता है जो हमारी फोर्थ आता है, हमारी स्किन क्या काम करती है, ये हमें बचाती है बाहर की चीजों से, जो फायदेमंद जो चीजें होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, और अगर जो बॉडी के लिए नुकसानदायक चीजें होती हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा स्किन का फंक्शन है कि ये हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करती है, उसको कंट्रोल करती है। गर्मी में, सर्दी में पसीना कितना आना है, सर्दी के अंदर हमारी बॉडी वार्म हो जाती है, गर्मियों के अंदर जो है स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्किन के फंक्शन, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा पूरा लेसन 10th क्लास का, यूनिट 1 का फर्स्ट लेसन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप एक बार जो है जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो भी आप देखिएगा, उसके अंदर जो है आपके सभी करियर अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, कि जो स्टूडेंट हमारे हैं वो ब्यूटी एंड वेलनेस जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद किस किस फील्ड में वो जा सकते हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन आप नोट करिएगा अपने नोटबुक के अंदर, मैं साथ के साथ आपको रिवाइज अभी करवा दूंगी, लेकिन साथ के साथ आप अपने नोटबुक में भी जो है उसको एंटर करिएगा, क्योंकि एक तो हम बोल के सुनते हैं, एक तो पढ़ना, एक सुनना, एक उसको लिख के देखना, ठीक है, वो ज़्यादा चीज़ ज़्यादा देर तक हमें याद रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जो हमारी जो स्किन है, ठीक है, वो क्या काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, इसको आप सोचना और अपने जो है नोटबुक में नोट करना, ठीक है। जो भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं उन सबको पढ़ना, जो भी आज मैंने लेसन में पढ़ा है उसको रिवाइज करना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूं, जो स्किन होती है उसके मेन फंक्शन क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, ये थिक लेयर है, और ये एक वाटरप्रूफ लेयर है, ठीक है। सेकेंड आता है कि एक नंबर का क्वेश्चन कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, इतना इजी क्वेश्चन है और ये हर बार लगभग जो है एग्जाम्स के अंदर जरूर आता है, जो हमारा सबसे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है। कई लोग सोचेंगे हार्ट होता होगा, फेफड़े होते होंगे, नहीं, हमारी जो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो होता है स्किन, ठीक है, क्योंकि स्किन से ही हमारी पूरी बॉडी कवर होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि हमारी जो स्किन की सेकंड लेयर कौन सी होती है, उसका नाम बताएं। एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ज़्यादा आते हैं। तो सेकंड लेयर कौन सी हमारी, ऑब्वियसली डर्मिस लेयर। फर्स्ट कौन सी थी, एपिडर्मिस, सेकंड डर्मिस, और थर्ड हाइपोडर्मिस। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू जो है, कौन सी लेयर के अंदर फैट स्टोरेज होता है, कौन सी लेयर जो है फैट स्टोरेज का काम करती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाइपोडर्मिस लेयर, ठीक है, जो हमारा मेन फैट स्टोरेज का काम होता है वो कौन सी लेयर के अंदर होता है, हाइपोडर्मिस लेयर के अंदर होता है, ठीक है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स आपको लेसन अच्छे से समझ आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है एक एक चीज समझाने की, और इसको आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो आपका पूरा लेसन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी, तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए और अपने घर में सेफ रहें, बाहर ज़्यादा ना निकलें, ठीक है, और जो है सुरक्षित रहें, योगा एक्सरसाइज करें ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपकी मेंटेन होती रहे, और आप कोरोना या किसी भी बीमारी से आप बच सकते हैं। फिट रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।